कई बार दौड़ते दौड़ते सांस फूलना आम बात है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे चलते हैं तब भी जो है हमारी सांस फूलने लग जाती है। तो कई बार ये शुरुआती लक्षण होते हैं अस्थमा के या दमा के, तो इन शुरुआती चीज़ों से आप बच सकते हैं, वो भी इस खास रेमेडी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लौंग लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट में पेन है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। और इसी के साथ ही काली मिर्च भी बहुत ही ज़्यादा कारगर मानी गई है। तो जल्दी से हम वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास के बीच में पानी लिया है और अब हम इसमें डालेंगे लौंग। तो 1 से 1.5 गिलास जो है पानी के लिए आप यहाँ पर 2 से 3 लौंग डाल सकते हैं। ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हैं और 2 गिलास पीना चाहते हैं, एक सुबह एक शाम, तो आप इसमें 5 लौंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लौंग ही ऐड कर रही हूँ। गर्म तासीर होती है, इससे जो है सांस लेने में हमें दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अब अदरक का रस, या फिर आप अदरक को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अदरक को कद्दूकस करके डालूँगी। थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करेंगे और ये जो हम पानी बनाने जा रहे हैं इसको सुबह और शाम अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया जो है एक गुण मिलते हैं, जिससे कि आपको ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल सकता है, सांस लेने की दिक्कत से भी छुटकारा मिल सकता है और हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेंस है तो बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ उनके लिए हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जिनको ये शुरुआती लक्षण मिल रहे हैं। नहीं तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। और इन सभी चीज़ों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये घर पर पाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च के 4-5 दाने डाल दिए हैं। काली मिर्च के दाने डालने से जो है हमारे जो एक मिश्रण तैयार होता है जिससे कि हमारी श्वास नली में कोई भी दिक्कत नहीं रहती। तो इन सभी चीज़ों को हमें कम करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। थोड़ी सी मैंने 1 पिंच हल्दी ऐड कर दी थी जिससे कि बहुत ही बढ़िया कलर भी आ जाता है, और हल्दी तो हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। तो आधी बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी हमें इसमें डालनी है। ठंडा होने के बाद जो है इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे शहद को। शहद की वजह से पीने में भी आसानी होगी और बहुत ही बढ़िया जो है हमें टेस्ट भी देती है और हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है। तो यहाँ पर शहद को हमने डालना शुरू कर दिया है। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने शहद डाला है, आप देख सकते हैं पूरा भरकर नहीं ऐड किया है। तो छोटा चम्मच है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गुनगुना ही पीना है। अगर आपको एक साथ 2 बार लेना है तो इसको जो है गुनगुना करके पीना है। और ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, घरेलू नुस्खा है और घर की किसी भी चीज़ों से जो है हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।